मध्य प्रदेश में एक और स्टॉप डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। डिंडोरी से स्टॉप डैम के जीर्णोद्धार कार्य के नाम से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डैम जीर्णोद्धार के फर्जी बिल लगाकर राशि ली गई है, जिसके बाद जनपद सीओ ने जांच करने की बात कही है। डिंडोरी के रूसा माल में स्टॉप डैम के जीर्णोद्धार कार्य के नाम से फर्जीवाड़ा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 5,65,000 रुपये की राशि मरम्मत कार्य के नाम से ली गई, जिसे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर आपस में बांट लिया। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में विभागीय अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। वहीं ग्रामीणों के आरोपों के बाद जनपद सीओ ने जांच की बात कही है। समस्या ये है सर, हमारे सामने ददरा गली नाला में 5,65,000 का जो निर्माण कार्य हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। निर्माण कार्य फर्जी बिल वाउचर लगाकर उस राशि को आहरण कर लिया गया है और लुपापोती कर दिया गया है। ये उसके सगे संबंध चाचा के बिल वाउचर लगे रहते हैं, सरपंच के सगे चाचा के बिल वाउचर लगते हैं, जबकि NRG में ऐसा प्रावधान नहीं है जो सगे संबंध को निर्माण कार्य में ठेकेदारी दे और उसको हर कामों को ठेकेदारी देकर उसका बिल वाउचर लगाकर पैसा आहरण किया जाए। ऐसा ये NRG में ये नियम विरुद्ध है, इसका जांच चाहते हैं। निर्माण कार्य की जांच हो और उसकी बिल वाउचर की जांच होना चाहिए। जैसे कि मुझे अभी आपके तौर से मुझे अभी संज्ञान में आया है कि इस तरीके से कुछ हुआ, मुझे एक बार इसको दिखवाना पड़ेगा। इसके लिए अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ से निरीक्षण टीम जाएगी और जिस प्रकार से जांच प्रतिवेदन वो देती है उसके हिसाब से मैं निर्णय लूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जांच का विषय जांच होगी, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी, नियम अनुसार जो भी होगा नियम के अनुसार ही। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।